أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to everyone in Easy MG Pharma. This is MD Lashari. In this lecture, we will learn about the retail pharmacy requirement and layout of the retail pharmacy. इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिटेल फार्मेसी रिक्वायरमेंट, यानी जब हम फार्मेसी ओपन करवाते हैं रिटेल फार्मेसी तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं एंड लेआउट ऑफ द रिटेल फार्मेसी पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। नाउ रिटेल फार्मेसी, एनी फार्मेसी वेयर द ड्रग आर कंपाउंडेड डिस्पेंडेड स्टोर्ड और सोल्ड वेयर द प्रिस्क्रिप्शन आर फिल्ड, यानी वो फार्मेसी जहाँ ड्रग्स जो है कंपाउंडेड भी हो, डिस्पेंस भी हो, स्टोर्ड भी हो एंड फरोख्त भी हो, उसको हम रिटेल फार्मेसी कहते हैं। एंड कुछ कन्फ्यूजन होता है रिटेल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी को सोचना है कि काफ़ी लोग जो है सेम इसको समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कम्युनिटी फार्मेसी इन रिटेल फार्मेसी में। रिटेल फार्मेसी हम पढ़ के आए और कम्युनिटी फार्मेसी क्या होगा, या कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्ट विद पीपल इन द लोकल एरिया, जो मकामी पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी का, उसके साथ डायरेक्ट जो है कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट उसको डील करती है। इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपाउंडिंग, यानी कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अब कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती हैं, उसको कंपाउंडिंग करना, काउंसलिंग प्रॉपर काउंसलिंग पेशेंट की करना, जब कंज्यूमर पेशेंट आता है तो उसकी काउंसलिंग करना, भाई ये फिलहाल डोजेज या डोजेज फॉर्म में ये इसको ओरली लेना है, इसको इंजेक्टेबल देना है, ये टेबलेट जो है रात के टाइम खानी है, ये टेबलेट दिन के टाइम खानी है, ये खाने से पहले खानी है, यानी ये खाने के बाद खानी है टेबलेट वगैरह, ये प्रॉपर जो है काउंसलिंग करनी होती है। ये ड्रग्स जो है, ये फॉर सपोज ये प्रेगनेंसी में जो है कंट्राइंडिकेशन है, सारा कुछ इसको बताना होता है, यानी काउंसलिंग भी करता है कम्युनिटी फार्मेसी हमारा। एंड डिस्पेंसिंग करता है ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू द पेशेंट विद केयर एक्यूरेसी एंड लीगलिटी, यानी डिस्पेंस करता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो होती हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मुताबिक यूज की जाती हैं, उसको भी डिस्पेंस करता है पेशेंट टू द पेशेंट विद केयर एक्यूरेसी एंड लीगलिटी, केयर के साथ, एक्यूरेसी के साथ एंड लीगलिटी के साथ। नाउ रिक्वायरमेंट फॉर द ओपनिंग रिटेल फार्मेसी, जब रिटेल फार्मेसी ओपनिंग करवाते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। नंबर वन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल विद कंप्लीट डिग्री ऑफ फॉर्म डी और फॉर्म बी, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जिसका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल, एक होता है वो जो सर्टिफिकेट इशू कराता है, जैसे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल से उसका सर्टिफिकेट इशू हो, कंप्लीटेड डिग्री हो फॉर्म डी की और फॉर्म बी की। देन मिनिमम स्पेस यानी शुड बी रिक्वायर्ड 150 या 200 स्क्वायर फीट एरिया ऑफ दिस पी, या हम कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी जो ओपन करवाते हैं तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर एरिया होना चाहिए, 150 200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। देन अदर रिक्वायरमेंट में क्या क्या होना चाहिए, एफडीए अप्रूव्ड लाइसेंस शुड बी रिक्वायर्ड, एफडीए फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होता है एफडीए होता है, उसका लाइसेंस अप्रूवल होना चाहिए उसका। देन फॉर सेलिंग should keep all types of the drug, OTC, non-OTC drugs such as antibiotics, vitamins, chemotherapeutics, nutritionals, products and surgical products, जैसे कि all types of the drugs होने, हर medicines होनी चाहिए जिसमें over the counter and non-over the counter drug भी होनी चाहिए, जिसमें antibiotics है, vitamins है, केमोथेरापेटिक्स एजेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल कुछ फूड प्रोडक्ट्स आती हैं उस वो भी होना चाहिए, सर्जिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए, कुछ सर्जिकल प्रोडक्ट होते हैं वो होना चाहिए, एंड स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज जिसमें रिफ्रिजरेटर होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, वुडन और ग्लास शेल्फ होना चाहिए।
should be available in retail pharmacy. These all things should be available in retail pharmacy. ये सारी चीजें जो है retail pharmacy में होना चाहिए. Now layout design. Layout design क्या होता है पहले हम ये पढ़ेंगे. Layout is design explaining proper maximum utilization. Layout एक design होता है वो कि जो community pharmacy का retail pharmacy का एक design होता है जहाँ हम utilize maximum utilization space करते हैं. यानी space जो होता है हमारा वो maximum utilize हो इस्तेमाल हो उसी को हम layout design कहते हैं. Then requirement of the layouts. कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है लेआउट डिजाइन करने में. जैसे कि नंबर वन देयर शुड बी सिंगल एंट्रेंस फॉर द कस्टमर. कस्टमर के लिए एक सिंगल पाथ हो सिंगल एंट्रेंस हो एंट्री हो. नंबर टू शॉप एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्राइवेट रूम. शॉप एरिया जो है वो सेपरेटेड हो प्राइवेट रूम से अलग हो. द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली. यानी लाइसेंस जो है डिस्प्ले होना चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर कोई ऐसा जो टीम आ जाती है तो वो चेक करती है कि ये जो कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी है ये रजिस्टर है या नहीं. यानी उसके लिए द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली. लाइसेंस भी डिस्प्ले होना चाहिए. देन नेम ऑफ द रिटेल फार्मेसी शुड बी बोल्ड कैन इजीली रीडेबल. यानी जब टाइटल देते हैं रिटेल फार्मेसी को नेम देते हैं वो भी क्या होना बोल्ड होना चाहिए बड़े अक्षरों वाला होना चाहिए कि वो इजीली जो है हम जो है रीड कर सकें पढ़ सकें. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेआउट. लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स कौन से. नंबर वन टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड टू इंक्रीज द सेल आउट. यानी जो कस्टमर होता है उसको अट्रैक्टिव करे और हमारा सेल आउट बढ़े ऐसा जो है उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. To build up a professional image, यानी market में हमारा professional image हो image बने build up हो हमारा image market में. Then to control the traffic of the customer, यानी जो customer आते हैं बहुत सारे customer आते हैं traffic like हो जाता है बहुत rush हो जाता है उसको भी control करने के लिए उसका objective. To avoid the theft, यानी चोरी से बचने के लिए. And to satisfy the customer. Customer जो होता है consumer आते हैं उसको satisfy करने के लिए. ये जो objects हैं हमारे layout design के. Now ये आप देख सकते हैं ये layout है हमारा cursor आपको नजर आ रहा होगा. ये retail drug store design है ये wholesale drug design. ये wholesale का होता है ये retail pharmacy जो होते हैं हमारे retail pharmacy drug store का layout है. ये entrance है इधर से ये हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा. ये एंट्रेंस है इधर से जो एंट्री होती है. ये टेबल है इधर टेबलेट पड़ा होता है. ये चेयर पड़ा होता है. ये स्टोरेज एरिया है. ये जो है कोल्ड एरिया है. ये फ्रीजर आपको नजर आ रहा होगा हमारा कर्सर. ये फ्रीजर है. ये जो वेटिंग एरिया है जो आते हैं जो कस्टमर इधर वेट करते हैं. डिस्प्ले विंडो ये आपको नजर. ये हमारे रॉक्स हैं जिधर हम मेडिसिन जो है रखते हैं. So thanks for watching and stay with MJ Pharma. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें. अगर कोई भी क्यूरी हो कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे सारे लिंक्स प्रोवाइड हैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड हैं उधर हमसे रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.